हिमाचल चुनावी साल में स्कूलों में 1587 शिक्षकों के पद भरने की तैयारी, कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। इस वर्ष के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 1587 शिक्षकों के पद भरने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी भर्ती का कैबिनेट मंजूरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। टीजीटी कला में 744, नॉन मेडिकल में 557, मेडिकल में 286 शिक्षकों की भर्ती करने का प्रस्ताव है। हिमाचल के डिपो में सरसों का तेल 17 से 26 रुपए सस्ता, दाल चना व महा 3 से 4 रुपए महंगी। हिमाचल प्रदेश के 18.90 लाख राशन कार्ड धारकों को अब सरसों तेल 17 से 26 रुपए तक सस्ता मिलेगा, जबकि महा साबूत 4 रुपए व दाल चना 3 रुपए महंगी मिलेगी। राशन डिपो में इस महा मूंग 3 रुपए व मलका 1 रुपए सस्ती मिलेगी। नए स्टॉक की राशन डिपो में सप्लाई आरंभ हो गई है। 2 माह का तेल सस्ते दाम पर मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गरीब परिवारों के साथ एपीएल को सरसों तेल 17 रुपए व आयकरदाताओं को 26 रुपए सस्ता मिलेगा। आटे के कोटे में 1 किलो की कटौती कर दी गई है। राशन कार्ड धारकों में गरीब व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत आने वाले 6.50 लाख परिवारों को महासाबुत 55 रुपए प्रति किलो के स्थान पर 59 रुपए मिलेगी। हिमाचल के 22 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के 22 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। 15 अगस्त को जिला स्तरीय कार्यक्रमों में इन स्कूलों के प्रिंसिपलों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए चयनित इन स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से नामांकित भी किया गया है। प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग ने बताया कि वर्ष 2021-22 के तहत समग्र श्रेणी के 16 स्कूलों और उप श्रेणी के 6 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारों के लिए चुना गया है। शिमला में पेयजल किल्लत, बिजली कट से गिरी से सप्लाई ठप, अब चौथे दिन मिलेगा पानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेयजल किल्लत और बढ़ने वाली है। शहर की दूसरी सबसे बड़ी गिरी पेयजल परियोजना से राजधानी के लिए पानी की सप्लाई ठप हो गई है। गुरुवार रात 1 बजे से इस परियोजना में पंपिंग बंद है। गुम्मा से भी गाद के चलते कम पानी आ रहा है। ऐसे में शिमला शहर में अब चौथे दिन पानी की सप्लाई होगी। शुक्रवार को भी आधे शहर में पानी नहीं दिया गया। इन इलाकों में अब शनिवार को पानी आएगा।